स्वागत है आप लोगों को ऑनलाइन सुविधा में। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आइए, भारतीय दिस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, किस सब पोस्टों की आई है, बम्पर बहाली थी, इसके बारे में कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है, कहाँ पे आपको जाना होगा और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पूरी डिटेल आपको मिलेगा यहाँ। दोस्तों इससे पहले दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं पूरी डिटेल। ये देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आपको मिलेगी सारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आ गया हूँ उसके ऑफिशियल साइट पे। सबसे नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद आपको कैरियर पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए कैरियर ऑप्शन है, यहाँ पे जो टैब लगा हुआ है यहाँ कैरियर ऑप्शन पे जाइएगा। कैरियर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके नीचे में ई रिक्वायरमेंट देखिए, यहाँ पे ई रिक्वायरमेंट पे क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू टैब खुल के सामने आ जाएगा, इस वाला, ये वाला टैब देखिए खुल के सामने आ गया। यहाँ पे इस जॉब से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसका देखिए दोस्तों अप्लाइंग स्टार्ट डेट यानी कि 26/12/2018 से ये फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट इसका है 5/1/2019 तक इसका लास्ट डेट है। इससे पहले आप तुरंत ये फॉर्म अप्लाई कर ही दे क्योंकि डेट बहुत कम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, फी कैसे पेमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सारा इसमें दिया हुआ है इस जॉब से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट पे चले जाइए। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपको न्यू टैब सामने, यहाँ पे देखिए पीडीएफ खुल के सामने आ जाएगा आपके। इसे थोड़ा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से दिखाई दे। ये देखिए जॉब लोकेशन हैदराबाद है। अब यहाँ पे ऊपर में देख सकते ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इन द लुकिंग फॉर द डायनामिक एंड रिजल्ट ऑफ ओरिएंटेड पर्सन इन द फॉलोइंग पोजिशन प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क एट द वेरियस प्रोजेक्ट साइट सेपरेटेड ओवर द अक्रॉस ऑफ द कंट्री, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपको ये हो सकता है। ये आपको यानी कि इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया हुआ और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ पोस्ट और सैलरी और लास्ट डेट। ठीक है दोस्तों, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर यहाँ पे देखिए इसमें 1470 पोस्ट है टोटल। जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन के लिए यहाँ पे 315 है और जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन दोनों के लिए यहाँ पे 315 है, यानी कि तीन तरह का इसमें पोस्ट है आपको। और इसका देखिए शुड हैव बॉर्न आफ्टर द डेट मंथ ईयर एंड मेंशन बिलो, आपका जन्म तिथि जो है 31/12/1988 से नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसका सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं 19,188 रुपया पर मंथ यानी कि PM। ठीक है दोस्तों, ये पर मंथ आपको मिलेगी सैलरी। तो तीनों पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी की नाम, पोस्ट का नाम, वैकेंसी और इसका जो है आपको मिल सैलरी देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या क्या करना होगा, कहाँ पे आपको ऑनलाइन करना होगा, जाना होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ। अब मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि इस जॉब से रिलेटेड आपको क्या, आपके पास क्राइटेरिया रहना चाहिए। यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन में देखिए पोस्ट वन नंबर वन यानी कि पोस्ट नंबर वन ये है 1, 2 और 3, तो सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको देखने को। तो पोस्ट पहले देख लीजिए, एक नंबर पोस्ट वाले के लिए पोस्ट नंबर वन, पोस्ट नंबर टू, एक नंबर दे अ फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इन द इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क एंड एग्रीगेट फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो आप जो है जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है आपके, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद मैकेनिकल है, इनसे आपको डिप्लोमा रहना चाहिए और 60% मिनिमम आपके पास मार्क रहना चाहिए। उसके बाद पोस्ट टू के लिए यहाँ पे देखिए पोस्ट टू जो आपको हम दिखाएं जूनियर कंसल्टेंट फील्ड के लिए ऑपरेशन के लिए, तो पोस्ट टू का यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, वही बात लिखा हुआ है 60% के पास पास। उसके बाद यहाँ देखिए पोस्ट नंबर थ्री में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है, द फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन स्टेट ऑफ टेक्निकल बोर्ड, इसमें परसेंटेज 60% इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, पोस्ट थ्री में, सॉरी दोस्तों पोस्ट टू का मैं बता दिया, पोस्ट थ्री का देखिए सूर्यापास्ट आईटीए 2 ईयर ड्यूरेशन, तो आईटीए अगर आप पास हैं तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं।
ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड फीटर फ्रॉम द ड्यूली रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस। तो आईटीआई पास वालों के भी बहुत अच्छी खबर है। अब कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होगा, देखिए द सिलेक्शन विल बी प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑन द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन एज द मेंशन अबव, दैट मीन्स बीई बीटेक डिप्लोमा एंड आईटीआई। ठीक है दोस्तों, तो आपके मार्क्स के अनुसार यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के जितने मार्क्स जिसके ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें एग्जाम आपको नहीं लेगा, आपके मार्क के अनुसार आपका जो है सिलेक्शन इसमें होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट हैव मिनिमम 6 मंथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रिफरेंस फॉर ऑल द अबव पोस्ट। अगर आपके पास 6 महीने का जो है एक्सपीरियंस रहना चाहिए तो उन्हें ज़्यादा प्रिफरेंस मिलेगा इस जॉब को लेने में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द जोनल ऑफिस हेडक्वार्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सिलेक्शन वेन्यू एड्रेस। तो हैदराबाद में आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये एड्रेस है, ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे एड्रेस है। कोल पोस्ट यहाँ पे देखिए 650। यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये पीडीएफ आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद ये आप अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा किस कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे आपके कैटेगरी का सीट जाता है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए कोलकाता मुंबई, उसके बाद यहाँ पे बेंगलुरु में, मतलब जनरल कैटेगरी जो है आपको यहाँ सीट देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है एक बार पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो में तो मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ लेकिन पूरी डिटेल में बता नहीं पाता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पे रिजर्वेशन के संबंधित कुछ बात दिया है और एज के संबंधी, एज 5 वर्ष छूट होगा एससी एसटी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष का, इसमें जो गवर्नमेंट का रूल है वो। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देखिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड टू द ज्वाइन द विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सिलेक्शन। द विल बी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग ट्रेनिंग ऑन प्रोजेक्ट डिटेल इंक्लूडिंग टेक्निकल स्किल्स रिस्पेक्टिव जोनल ऑफिसर द बिफोर डिप्लॉइंग टू प्रोजेक्ट साइट। यहाँ पे देखिए 7 दिनों के अंदर आपका जो उसमें भर्ती लेगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग देगा, उसके बाद जनरल कंडीशन उसका जो है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और नॉन रिफंडेबल अप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया, आपका ये फ़ी जो है रिफंड नहीं होगा। जिसका जो फॉर्म जो अभी आप मैं बताया हूँ 3 पोस्ट का, उसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी का 200 रुपया लगेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। और एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए ये फ़ी जो है इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा, यानी कि छूट है, उन लोगों का 0 रुपया लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एप्लीकेशन फ़ी, पूरी डिटेल्स मैं बता दिया हूँ। अब कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 26/12/2018 से इसका ऑनलाइन हो रहा है 5/1। तो ये वेबसाइट देखिए, ये वेबसाइट जो आप देख रहे हैं careers.esic.co को, इन पे आपको जाना होगा। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं बैक होकर लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको ऑनलाइन करने की पूरी डिटेल बताऊँगा। यहाँ पे देखिए विल बी रिडायरेक्टेड टू, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो है फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरना होगा। तो चलिए मैं ऑफिशियल साइट पे लेके चलता हूँ, उतनी डिटेल में नहीं बताऊँगा। यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा, फिलअप करने के बाद लास्ट में आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी तरह कोई भी डाउट हो तो इस जॉब से रिलेटेड आपके इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कमिश्नर ऑफ इंडिया लिमिटेड का, ये देखिए आपका ये फॉर्म खुल गया है, यहाँ पे आपको सारा कुछ डालना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, उसके बाद अगर आप न्यू रजिस्टर है, अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो गेट डिटेल्स कर दीजिए, उसके बाद आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। शायद आपको प्रॉब्लम आता होगा, इसका लिंक इसीलिए मैं दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।